अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो मैं हमेशा ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर प्रेफर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते नहीं होते, तो जांच कर देख कर टटोलता हूँ, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना ऑनलाइन में तो बस फोटो देखो, बस कभी कलर अलग आ जाता है, कभी मॉडल अलग आ जाता है, तो कभी कभी सामान ही अलग आ जाता है। और अगर मुमरा में इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बेस्ट शोरूम है तो सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम में लगभग हर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे। याद रखे, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक का नया शोरूम अब कौसा कब्रिस्तान दोस्त अपार्टमेंट के पास नहीं, ओल्ड नशेमन कॉलोनी में है। सबसे बड़ी बात, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक में बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट वन अशोर्ड फ्री गिफ्ट का ऑफर चल रहा है। एक बार जरूर कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक विजिट करिए, ओल्ड नशेमन कॉलोनी डॉक्टर दादन के पास मुमरा। जितेंद्र आहाट साहब, उन्होंने अपने 3 टाइम के टेन्योर में 15 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या दिया है मुमरा को? गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल, एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल नहीं बना सके। ट्रैफिक होती है मुमरा में, हॉस्पिटल बहुत सारे लोग तो पहुंच भी नहीं पाते, रास्ते में डेथ हो जाती है। अवेलेबल डॉक्टर होती, अवेलेबल केयर करते तो ऐसा नहीं होता। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुछ दिन पहले ही मुमरा के TMC हकीम अजमल हॉस्पिटल में नाजमीन कुरैशी नाम की महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी और काफ़ी इस मौत पर हंगामा भी हुआ था। आपको बता दें कि थाने मनपा को लिखित में शिकायत आज SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की महिला विंग ने लेटर देकर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि लापरवाही की वजह से नाजमीन कुरैशी की मौत हुई थी। SDPI कि मुमरा कलवा की महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट शमा परवीन ने बताया कि जिनकी लापरवाही थी उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें बताया कि जिस वक्त डॉक्टर की ड्यूटी थी वहां पर, उस डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसे भी नोटिस दिया गया है और डॉक्टर से और भी आगे की पूछताछ की जा रही है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर मनपा के तरफ से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं SDPI पार्टी की कलवा मुमरा की महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट शमा परवीन ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और कहां से आए आप? मेरा नाम शमा परवीन है, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की मुमरा कलवा की वाइस प्रेसिडेंट हूं और हम आज यहां थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर से मिलने आए थे। उमेश बिरारी सर से हमने मुलाकात की और हम उनको ये मेमोरेंडम देने आए थे। ये मेमोरेंडम किस रिलेटेड है? ये मेमोरेंडम इस रिलेशन में था कि 9 तारीख की रात को थाने मुमरा के हकीम अजमल खान TMC का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक 27 इयर्स की फीमेल नाजरीन कुरैशी की डेथ हो गई और वो जो डेथ उनकी हुई थी वो हॉस्पिटल की इनरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुई। उनकी रात के 8:30 बजे उनको बेबी डिलीवर हुई, वो नॉर्मल डिलीवर हुई मगर उसके बाद केस बहुत क्रिटिकल हो गया और वहाँ पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थी उस वक्त जो केस को हैंडल कर सके। वो इन्वर्टेड यूट्रस का केस था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी तो एक्सट्रीम ब्लड लॉस की वजह से सिस्टर्स जो थी अवेलेबल, सिस्टर्स ने ही डिलीवरी कराई और सिस्टर केस को हैंडल नहीं कर पा रही थी तो डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से केस ऐसा हुआ, इस कंडीशन को पहुंचा था। उसके बाद उनको कलवा में रिफर किया गया, सिस्टर्स ने कलवा जाने के लिए कहा बट जब स्ट्रेचर पे पेशेंट को वो लोग लेकर जाते हैं तो नीचे एम्बुलेंस में ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं था। हाफ एन आवर एटलीस्ट उन लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ा ड्राइवर के लिए, तो उसमें भी ब्लड लॉस होते रहा पेशेंट का और कंडीशन उसकी और क्रिटिकल होती गई। देन अल्टीमेटली सिस्टर खुद कहती है कि आप कलवा जाने तक पेशेंट बचेगा नहीं तो बेटर आपको ही करीब के हॉस्पिटल में चले जाइए, तो करीब के अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। एंड वो उनका हस्बैंड भी एक ऑटो ड्राइवर है, ही इज अ पुअर मैन, अफोर्ड भी नहीं कर सकता था बट स्टिल ही सेड कि ठीक है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा, आप मुझे बताओ कहाँ जाना है। तो उन लोगों ने आइकॉन हॉस्पिटल रिफर किया, आइकॉन में पेशेंट को नहीं लिया, फिर बुरहानी लेके गए, बुरहानी में 2 ही वेंटिलेटर्स थे, दोनों बिजी थे, फिर GHC लेके गए, वहाँ पे 100 वेंटिलेटर्स है बट बिकॉज पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था तो वहां जाने के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई है। तो ये जो डेथ हुई उस माँ की, वो उसकी एक न्यूबॉर्न बेबी है, एक 4 साल की और बेबी है, तो अब उनका केयर कौन लेगा? ये माँ की जो डेथ हुई है ये हॉस्पिटल की इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुई है। अगर डॉक्टर अवेलेबल होते, ड्राइवर अवेलेबल होता टाइम पे कलवा हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो शायद आज वो जिंदा होती। तो आज आप आए थे यहाँ डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए, तो आज उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है और इस केस के रिलेटेड वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे और क्या एक्शन लेंगे, आप लोगों की क्या बात हुई है उनके साथ में? जी, उन लोगों ने कहा कि उन जो डॉक्टर्स जो अनअवेलेबल थी जिनकी ड्यूटी वहाँ पर उस वक्त थी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनको फिलहाल तो 12 तारीख को ही 12 जनवरी को उनको सस्पेंशन दे दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है।
सेकेंडली वो ड्राइवर को भी नोटिस दे दी गई है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। और कमिश्नर साहब ने हमको, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 महीनों में मार्च तक जो है हॉस्पिटल की फंक्शनैलिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, सारे फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल किए जा रहे हैं। फिलहाल फॉर टाइम बीइंग उन लोगों ने एक अश्विनी देशपांडे नाम की डॉक्टर वहाँ पे जो है रिक्रूट की है और वो डॉक्टर भी अवेलेबल अभी वहाँ पे रहेगी। और भी फैसिलिटीज वो लोग अवेलेबल करने वाले हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी बनाने का इनका प्लान है। और इन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ मार्च वो हॉस्पिटल फंक्शनल हो जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि 15 से 18 लाख की आबादी वाले मुमरा शहर के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का होना जो है तो उससे हम सारे हमारे शहर के लोगों को जो है तो हम फीड कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे और हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए और इतनी बड़ी आबादी में और हॉस्पिटल अवेलेबल होने चाहिए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हमारे देखिए मुमरा के एमएलए जो हैं जितेंद्र आहाट साहब, उन्होंने अपने 3 टाइम के टेन्योर में 15 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या दिया है मुमरा को। एक गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल, अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल नहीं बना सके कि वहाँ की पब्लिक वहीं से इलाज करा सके, उनको कलवा तक ना जाना पड़े। और इतनी ट्रैफिक होती है मुमरा में हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग तो पहुँच भी नहीं पाते, रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अब वो माँ चली गई तो उसके 2 बच्चों की केयर कौन करेगा? अगर फैसिलिटी होती अवेलेबल, डॉक्टर होती अवेलेबल, केयर करते तो ऐसा नहीं होता। ये तो एक केस हाईलाइट हुआ है और ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे। कितनी माँ ऐसी चली जाती है डिलीवरी केसेस में, बहुत सारी फीमेल्स की डेथ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, बस ये केस हाईलाइट हो गया है तो हमें पता चला है। तो ये उनकी लापरवाही है, उन्होंने अपने इतने लंबे कार्यकाल में इतना तो कर सकते थे, एक अच्छा हॉस्पिटल दे देते इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को। तो अभी आप जैसे जो है तो शहर की सत्ताधारी पार्टी के आप जो बात कर रहे हैं और हमारे शहर के एमएलए जितेंद्र आवाड़ साहब के बारे में आप बात करें, तो आपका जो है तो मुमरा वासियों के लिए क्या मैसेज है? जैसे आज हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग जो है तो चौल्स के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर जो तो रहते हैं और इतनी आबादी के अंदर जो है तो हमारे शहर के अंदर एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत है जो पूरे तरीके से ऑपरेशनल है। इलेक्शन भी अभी नजदीक है, तो आप जो है तो मुमरा के जो वोटर्स है और जो मुमरा के लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि पब्लिक को अपने वोट पर गौर करना चाहिए, उनका वोट बहुत कीमती है, उन्हें सोचना चाहिए कि वो जिसे वोट दे रहे हैं वो उन्होंने उनके लिए क्या किया है और वो आगे क्या करेंगे। तो पब्लिक को बिल्कुल, अपना वोट बहुत कीमती है आपका वोट, और बहुत सोच समझ कर आप इसे दीजिए और इस पर आपको बिल्कुल गौर करना चाहिए। वुमेन इंडिया मूवमेंट फीमेल विंग है SDPI की और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अभी बहुत प्रोग्रेसिवली मुमरा में बहुत प्रोग्रेस कर रही है और इन लोगों ने पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अभी डिप्टी कमिश्नर सर ने आपके कुछ कॉम्पनसेशन की बात हुई है, जो नाजरीन है जिसका इंतकाल हुआ है उसको लेकर, उसके घर वालों को लेकर कोई कॉम्पनसेशन की आप लोगों की बात हुई है? कुछ मेमोरेंडम में आपने मेंशन किया है ऐसा? हमने मेमोरेंडम में ये डिमांड रखा था, हमने डिमांड पेश की है कि उसके फैमिली को, जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली को जो है 25 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाए, प्लस उनके हस्बैंड को एक गवर्नमेंट सर्विस भी दिया जाए, गवर्नमेंट जॉब दिया जाए और उनको कॉम्पनसेशन भी दिया जाए ताकि उनके बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो उसे यूज कर सके। तो सर ने इस बात को लेकर क्या कहा डिप्टी कमिश्नर सर? डिप्टी कमिश्नर से हुई है तो उन्होंने कहा है कि सर से मुलाकात, सर से वो बात करेंगे और इस बात पर जरूर गौर किया जाएगा।